बैतूल जिले में हो रही टेलीकॉम कंपनियों के संचार उपकरण के चोरियों की बढ़ती वारदातों को रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद द्वारा दिए गए निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी एसटीओपी नितेश पटेल द्वारा गंभीरता से कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली पाला सिंह को आदेशित किया गया। इसी तारतम्य में दो उपकरण चोर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इन 5 चोरों से 17 उपकरण चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा उपकरण की तस्दीक पश्चात जब्त कर लिए गए हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना से सोना घाटी रेलवे ट्रैक के पास से 5 संदिग्ध शोएब पिता साहबुद्दीन उम्र 19 साल निवासी जाकेर कॉलोनी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश व शदाब पिता नवाब खान उम्र 25 साल निवासी जाकेर कॉलोनी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश नवाब पिता अजीज उम्र 50 साल निवासी जाकेर 1 कॉलोनी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश मुबीन पिता सगीर अहमद उम्र 30 साल निवासी मुआना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश बाबूराव पिता नामदेवराव पांसे उम्र 43 साल निवासी बोरदेही जिला बैतूल को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर संदिग्धों के द्वारा बताया गया कि टेलीफोन कंपनियों की टावर के बिनेट रूम का ताला तोड़कर उपकरण चोरी किए हैं, जिनके द्वारा बैतूल जिले में पटन बोरदेही आठनेर झल्लार भीमपुर में तथा होशंगाबाद जिले में डौलारिया महाराष्ट्र राज्य में बरुण जिला अमरावती में बारातों को अंजाम दिया है। उक्त आरोपियों से कुल 17 उपकरण जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से बैतूल जिले व अन्य जिलों में हो रही चोरियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। क्या पूरा मामला था जिसको लेकर आज खुलासा किया गया? पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी, स्पेशली जो हमारे यहाँ टावर्स लगे हुए हैं अलग अलग मोबाइल कंपनीज के, कि उनका कुछ सामान चोरी हो रहा है। तो इसी को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया एसडीओपी बैतूल के निर्देशन में और टीआई कोतवाली अपाला सिंह के अंडर में। इसमें 6-7 हमारी जो पुलिस की सदस्य टीम थी, इसने काफ़ी अच्छी मेहनत करके और जो हमारे यहाँ तकरीबन 7 अलग अलग ज़िले भर में लोकेशंस थे जहाँ से सामान चोरी होने की घटनाएँ सामने आई थी और जहाँ अलग अलग थानों में FIRs थी, उसका हम लोगों ने PSTN डेटा वगैरह निकाल के 5 आरोपियों को राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 आरोपी मेरठ जिले के हैं और 1 आरोपी हम बैतूल जिले का बोरदेही थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनका मूलतः काम यह है कि पहले जो मोबाइल का स्क्रैप था उसको खरीद के बेचने का काम ये करते थे। दिल्ली में जो एक सलीमपुर करके जगह है जहाँ पे ये स्क्रैप बेचने का काम करते थे और अभी कुछ दिनों से, पिछले 1 महीने से, ये लोग मोबाइल जो टावर्स हैं उसमें जो चिप्स रहती हैं और जो रिसीवर उनका सिस्टम रहता है, AG1 टावर रहता है, इस तरीके के इक्विपमेंट्स ये लोग चोरी करके और फिर इन्होंने इकट्ठा करके रखा था, जिसमें तकरीबन हम लोगों को 25 लाख का मशरूका जब्त किया गया है और इनसे पुनः और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अभी प्रिलिमिनरी इन्होंने बताया कि कुछ वरुड़ के क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनाएं इन्होंने कारित की हैं और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में भी डुलारिया करके जो थाना है वहाँ पे भी इन्होंने घटना की है। अभी इनका हम लोग पुलिस रिमांड और पुनः लेकर और विस्तार में पूछताछ इनसे की जाएगी। ये जो 5 आरोपी हैं, ये कहाँ के, बैतूल के हैं कि बाहर के भी हैं? इसमें 5वां जो आरोपी है वो बोरदेही थाना क्षेत्र का रहने वाला है और बाकी जो 4 हैं वो मेरठ जिले के। क्या किया जाता था, जो सामग्री इनसे प्राप्त की गई है क्या करते थे? देखिए, इनसे अभी और हम लोग पूछताछ जारी है। जो बेसिकली सामान है ये इतने टेक्निकली वेल ऑफ नहीं है, इनके द्वारा इनका ये कहना है कि ये सामान इजीली दिल्ली में बिक जाता है, पर जो जिस तरीके का साइबर फ्रॉड आजकल चल रहा है, इन चीज़ों को असेंबल करके एक पैरेलल नेटवर्क सिस्टम इजीली हम लोग बना सकते हैं और जो जिस तरीके का एक साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कई बार फेक कॉल्स आते हैं और कई लोगों को लुभावने मैसेजेस आते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करें, इतना अपना OTP शेयर करें, इस प्रकार के प्रोसेसेस में इन सब अपैरेटस का उपयोग किया जाता है। कितने की सामग्री होगी मैम ये पूरी? ये तकरीबन 25 लाख का मशरूका हम लोगों ने जब्त किया है। और भी कोई चोरी में इन्वॉल्व है मैम? अभी इनसे और पुनः सिंह जी, क्या जिस तरह से चोरी करते हैं टावर की फैक्ट्री है? एक्चुअली अभी मेरी मैं इंडस टावर्स लिमिटेड से
और यहाँ मेरी तीन साइटों पर ये इंसिडेंट हुआ था। पैरेलल हमारे इसमें टेलीकॉम सेक्टर में एक ATC करके भी कंपनी है, उसकी 6 साइटों पर, और रिलायंस जियो की जो खुद की ओन साइटें हैं उनमें भी 3 साइटों पर इन्होंने जो एक्टिव इक्विपमेंट्स रहते हैं लाइक राउटर्स हो गए, BTSs हो गए, आर्ट्स हो गए, RRH वगैरह, वो सारे उन्होंने जो है अपने चोरी करके कुछ मटेरियल आप लोगों को भी पता चला जो चोरी किया है इन्होंने। तो ये कैजुअली जाते थे साइटों पर और इतना कॉन्फिडेंट जाते थे कि कोई भी नियर बाई पर्सन यहाँ का रेजिडेंट होता था वो उसको मतलब लगता ही नहीं था कि ये नए हैं, इनको कुछ एक बॉडी लैंग्वेज होती है तो उसके बेसिस पे भी कोई इनको कभी कैप्चर करने की नहीं कर पाया। बट जो अभी ड्रेस्टिकली पिछले मंथ में इंसिडेंट हुए तो एक दो हुए तो उसको इग्नोर किया गया, बट जो फिर ये स्पीड अप एकदम से दो दो दिन तीन दिन के गैप से होने लगे और फिर एक दिन में दो दो अटेम्प्ट होने लगे तो फिर उसमें हम लोग सभी जो है इकट्ठा होकर SP मैडम से थोड़ा सा इस विषय में चर्चा करने के लिए आए इकट्ठे हुए कल। तो उसमें ड्यूरिंग डेट पीरियड वी आर चेजिंग थिंग्स। ऐसे कितने लोगों का चोरी हुआ सामान कितने इसमें देखिए हमारे यहाँ पे टावर की साइट पे जो है ऑपरेटर्स लाइक एयरटेल आइडिया और RGO के इक्विपमेंट्स रहते हैं तो यहाँ पे जो मटेरियल थेफ्ट किया था इन्होंने ये ऑपरेटर्स के ही मटेरियल सारे BTS राउटर्स वगैरह चोरी किए थे। इसका क्या मिसयूज़ इसका ये मैडम जैसे बताए थे कि ये अपना जो उसमें आइडेंटिफिकेशन चीज़ें रहती हैं कि आप उसको अगर कोई कॉल करते हैं तो एक आइडेंटिटी रहती है कि भाई कहाँ कॉल किया, किससे किया, किस लोकेशन से, तो आप अगर इसको लेकर इसमें कुछ असेंबलिंग लाइक जो ICs रहती हैं माइक्रो प्रोसेसर्स रहते हैं उनका बाईपास करके एक ऐसा अंधा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, IP बेस पे आप पूरा नेटवर्क। आपको लगता है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नेशनल बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये मटेरियल जो जा रहा है उस एरिया में जाके उस दिल्ली वगैरह जैसे ये बताए थे तो वहाँ पे तो मतलब क्राइम का एक बहुत अलग दुनिया है, वहाँ की रात की अलग दुनिया थी तो उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा प्रिवेंशन एक्शन हो सकता है। तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स मिल रहे हैं उन पे वर्किंग करके एक पूरा जो रैकेट है वो कैप्चर करना जरूरी है। इनकी चोरी से आपको कितना नुकसान हो रहा था? टेलीकॉम चोरी से एक सिंगल साइट की बात करें अगर तो ऑन एन एवरेज जैसे एक साइट पे 3 ऑपरेटर रहते हैं, अगर 3 का उन्होंने चोरी किया है तो आप मान लीजिए करीब 10 लाख, और अगर एक साइट का है तो अराउंड 5 मिनिमम 5 लाख।